नमस्ते। एक और बौद्ध कथा का आज जिक्र करते हैं। सिकंदर को एक धुन चढ़ी थी कि उसको पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, विजय करनी है पूरी दुनिया पर। तो उस सिलसिले में वो भारत भी आया था और काफ़ी उसने जीता गया बहुत कुछ। फिर एक पहाड़ी कबीले में पहुंच गया वो कि इसको भी मुझे अपने इसमें लेना है, कब्जे में लेना है। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो बहुत हैरान हुआ। उस कबीले के लोग जो थे बैंड बाजे लेके उसका स्वागत करने आ गए सिकंदर का। वो तो सिर्फ लड़ने की बात जानता था, उसकी समझ में नहीं आया कि इन लोगों से करूँ क्या। तो वो उसको बड़े आजान से ले गए आगे और अपने उनका जो प्रधान था, चीफ था, उसके वहाँ ले गए सिकंदर को। वो भी इसकी बड़ी आजान करता है, बिठाता है इसको, इसके लिए भोजन का आयोजन करता है। तो जब भोजन आता है तो सोने की रोटी, हीरे जवाहरात की सब्जी और इस तरह का पूरा भोजन था, अनाज कुछ नहीं था। तो सिकंदर देख के कहता है, क्या मैं ये खा सकता हूँ क्या? ये कोई खाना है क्या? सोने की रोटी कोई खाता है? हीरे जवाहरात की सब्जी कोई खाता है? तो प्रधान कहता है, अगर तू गेहूँ के रोटी से ही तृप्त था तो इतना कष्ट क्यों कर रहे हो कि सब जगह जाके तुझे विजय करनी है, ये करनी है। सिकंदर जैसा उस समय कहें कि बहुत इसमें असंजस में आ गया कि मैं कहाँ आके फंसा हूँ इनके पास, ये तो लोग लड़ने को तैयार नहीं है और मेरा इस तरह अपमान कर रहे हैं। तो फिर प्रधान उसको पूछता है कि भाई तेरे शहर में सूरज उगता है? कहता है, ज़रूर उगता है, सूरज क्यों नहीं उगेगा? चांद तारे होते हैं? होते हैं। पंछी हैं, जानवर हैं, फूल खिलते हैं? वो कहता है, ये सब क्या पूछ रहे हो, सब कुछ है ये। तो कहता है, अच्छा अच्छा अब मेरी समझ में आया। तो तेरे जैसों के लिए तो सूरज कब का उगना बंद हो गया होता, इन पंछियों और जानवरों के लिए ही वो उगता होगा। तो सिकंदर ने जैसी वहाँ हार देखी अपनी, अपने को अपना क्या बोलते हैं, अपमानित फील किया उसने कि ये कबीले के लोग और किस तरह जी रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह उसका मतलब कहें कि उसका सिर झुक गया उधर कि मैं कहाँ आके फंसा, इन्होंने तो मुझे बिल्कुल कहेंगे ठिकाने लगा दिया मुझे कि तू ये इतना उपद्रव किस लिए कर रहा है, रोटी खाने के लिए? रोटी तो तेरे शहर में तुझे मिलती थी, फिर ये सब क्यों कर रहे हो तुम? तो इस कथा से ओशो हमें समझाते हैं कि खाना पीना तो मिल ही जाता है सबको, लेकिन ये जो हमारा मन है, जो चाह में आके, वासना में आके, ये जीतूँ वो जीतूँ इस दौड़ में पड़ जाता है, और दौड़ में पड़ जाता है और हाथ क्या लगता है। अंत में सिकंदर की भी ऐसे ही मौत हुई जैसे एक साधारण व्यक्ति की होती है। यहाँ तो ये बातें